नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें किससे रिजल्ट का डेट हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा डेट पे कौन सा कंपनी का रिजल्ट आ रहा है। तो हमारे पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक है, हम उसका रिजल्ट जानना उसका रिजल्ट का डेट जानना चाहते हैं, कौन सा डेट पे उसका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप टाइमली देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे तीन क्राइटेरिया से आप जाके जरूर चेक कर सकते हैं कि कौन से डेट पे रिजल्ट आ रहा है। आपको देखने के लिए आप यहाँ पे मनी यहाँ पे गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद में यहाँ पे आप टाइप करेंगे मनी कंट्रोल रिजल्ट कैलेंडर, ऐसे आ जाएगा रिजल्ट कैलेंडर, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद में उसके बाद में आप यहाँ पे रिजल्ट कैलेंडर जहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको लैपटॉप में ओपन किया हुआ, आपने वहां से भी जाके ओपन कर सकते हैं, अपना मोबाइल से भी। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद में सपोज मेरे पास में कोई से भी एक स्टॉक का रिजल्ट हम जानना चाहते हैं, सपोज मुथूत फाइनेंस का भी जानना चाहते हैं। भाई का अभी क्वेश्चन था कि मुथूत फाइनेंस का रिजल्ट कब आ रहा है। ठीक है, मुथूत फाइनेंस का रिजल्ट अभी जानने के लिए तो ऐसे डेट वाइज भी रिजल्ट आता है, आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। डेट वाइज अगर रिजल्ट देखना है तो डेट वाइज अगर आप क्लिक करेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको मिल जाएगा। अभी 14 तारीख तक का रिजल्ट का यहाँ पे यह है, अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट वाइज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पेज 1, पेज 2, पेज 3 इसे डेट वाइज आपको आ जाएगा। अभी 5th डेट चल रहा है तो 5th डेट का अगर रिजल्ट आपको देखना है तो यहाँ पे हम ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी 1 जनवरी मंथ का डेट आ गया, उसके बाद में फरवरी का डेट आ जाएगा। अभी अभी देखिए, अभी 7th को कौन सा कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 5th को कौन सा, 5 तारीख को कौन सा कंपनी का रिजल्ट आया है, तो यहाँ पे भी शो हो रहा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ, यहाँ पे है ट्रांसकेम है, यहाँ पे है श्री जगदम्बा है, ऐसे काफी सारा स्टॉक है जो कि डेट वाइज यहाँ पे आ रहा है। आपको कौन सा डेट पे आपको देखना है, डेट वाइज यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद में सपोज आपको देखना है, यहाँ पे सपोज आपको देखना है कि मुथूत फाइनेंस का आपको रिजल्ट देखना है कि मुथूत फाइनेंस का कब आ रहा है। यहाँ पे मुथूत टाइप करने के बाद में मुथूत कैपिटल का यहाँ पे आ रहा है, मतलब मुथूत फाइनेंस का यहाँ पे अपडेशन नहीं हुआ है कि कौन सा डेट को रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे आप आके देख सकते हैं। ठीक है, डेट वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर सपोज आपको देखना है कि कौन सा डेट को रिजल्ट आ रहा है, अगर ऐसा आपको फिल्टर देखना है, सपोज आपको देखना है कि 5 तारीख का डेट है, कल का डेट पे किसका किसका रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे 5 6th डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा 6 तारीख का कौन सा रिजल्ट है, यहाँ पे शो हो रहा है। 6 तारीख संडे है तो इसीलिए यहाँ पे कोई डेट शो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 7th का हम ले लेंगे, 7th का भी देख लेंगे कि 7th को किसका किसका रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे देखिए 7th को ये कंपनी का सब रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ऐसे सब कंपनी का नाम सब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा डेट को कौन सा कंपनी का रिजल्ट आ रहा है। तो और एक है, अगर सपोज इसमें किसी कंपनी का अगर डेट अनाउंस नहीं हुआ है, कौन सा कंपनी का डेट अनाउंस नहीं हुआ है, आप दूसरा जगह में ये भी जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा जगह कहाँ पे चेक करेंगे, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद में एनएससी इंडिया साइट ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद में मैं इस मोड पे देखता हूँ, ऊपर यहाँ पे www.1.nscindia.com पे क्लिक कर लें, क्योंकि ये पुराना वर्जन है तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा से देख सकते हैं। यहाँ पे सपोज मुझे मुथूत फाइनेंस का देखना है तो वहाँ पे शो नहीं हो रहा था, मेरे को मुथूत फाइनेंस का देखना है, मुथूत कैपिटल नहीं, मुथूत फाइनेंस का अगर देखना है तो यहाँ पे मुथूत फाइनेंस का ऊपर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन है, कंपनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि भाई ने पूछा था कि यहाँ पे मुथूत फाइनेंस का रिजल्ट कब आ रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट कब आ रहा है, तो यहाँ पे आप अगर आएंगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से तारीख को आ रहा है, 12 तारीख को यहाँ पे मुथूत फाइनेंस का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको ऐसे पता चल जाएगा, यहाँ पे बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि आपका कंपनी इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो यहाँ पे पता चलेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रेडिंग क्वांटिटी वगैरह पता चलता है। आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन में आना है तो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग है, डिविडेंड है, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और डिविडेंड कितना रुपए का डिविडेंड है, डिटेल्स ये सब डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है, ये सेकेंड तरीका है, यहाँ से आपको ऐसे पता चल सकता है। जैसे कि हमने वहां पे देखा, तो हमने वहां पे देखा था मुथूत कैपिटल का,
अगर मुथूत कैपिटल का, सॉरी मुथूत, हाँ मुथूत कैपिटल का हमने वहां पे देखा था, मुथूत कैपिटल का कौन सा डेट को आ रहा है रिजल्ट? तो यहाँ पे अगर कंपनी इंफॉर्मेशन में आएंगे, यहाँ पे सेकेंड को आ रहा, सेकेंड को, ठीक है, सेकेंड फरवरी को मुथूत कैपिटल का। यहाँ पे अगर हम जाके यहाँ पे देखेंगे मुथूत कैपिटल का, यहाँ पे देखिए मुथूत रिसेंट पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे देखिए मुथूत कैपिटल का जब तक यहाँ पे पोस्ट रिजल्ट कंपनी का डेट यहाँ पे अपलोड हो चुका है, डेट यहाँ पे, तो यहाँ पे शो हो रहा है मुथूत कैपिटल का डेट कौन सा है, सेकेंड फरवरी को है, ठीक है, तो यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे उसका एंट्री नहीं हुआ है मुथूत फाइनेंस का, तो इसलिए यहाँ पे मुथूत फाइनेंस का दिखा नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे एनएससी पे ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, तो इसलिए एनएससी पे यहाँ पे मुथूत फाइनेंस का बराबर डेट दिखा रहा है। रिजल्ट का डेट आपको भी स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर इस चीज का भी कभी कभी पता लगाते हैं, तो आपका स्टॉक प्राइस इमिडिएटली जब गिर जाता है 4%, 3%, या तो फिर 5% जंप हो जाता है इमिडिएटली, अपर सर्किट लग जाता है, वहां से आपको पता चल सकता है। कैसे पता चलेगा, कैसे इमिडिएटली, अगर कोई कंपनी का एक बढ़िया सा रिजल्ट आया, तो वहां पे नेक्स्ट डे क्या होता है, जब ओपनिंग होता है, ओपनिंग होने के बाद में, स्टॉक मार्केट ओपन होने के बाद में, उस स्टॉक में बढ़िया सा तेजी देखने को मिलता है। अगर रिजल्ट खराब होता है, तो उस स्टॉक में 3-4% का कभी कभी करेक्शन देखने को मिलता है। ये सारी चीज आप पहले से अगर रिजल्ट देखते हैं, तो ये चीज का प्रेडिक्शन आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, तो आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ऐसे ही रिजल्ट का डेट दिख जाता है, तो नेक्स्ट और एक प्रोसेस है, आपको पता चल जाएगा कैसे देखना है। तो यहाँ पे आप आएंगे Q3 रिजल्ट कैलेंडर BSE मार लेंगे, ठीक है ना, BSE, यहाँ पे BSE इंडिया, जब यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे, तो यहाँ पे BSE इंडिया का यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अगर डिटेल्स आप भर देंगे, जैसे यहाँ पे जैसे है, तो यहाँ पे कंपनी का नेम आप एंटर करेंगे, तो यहाँ पे पता चल जाएगा, नहीं तो डेट वाइज यहाँ पे पता चल जाएगा, मैं जो जो कंट्री में अभी हूँ, तो यहाँ पे ये साइट ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए, तो यहाँ पे एंट्री में नहीं, मतलब यहाँ पे ओपन नहीं करके देख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ओपन भी करता हूँ, देखिए यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए आप वहाँ पे इजिली आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, ये इजिली आप देख के एक अच्छा सा रिजल्ट को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आके डेट डेट आपको पता चल जाएगा, डेट के बाद में आप स्क्रीनर पे भी ओपन करके देख सकते हैं, स्क्रीनर पे वो कंपनी का नाम टाइप कर लेंगे मुथूत कैपिटल, उसके बाद में आपको रिजल्ट यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर आएंगे, आपको क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो आपको मनी कंट्रोल पे सपोज देखना है, तो आप मनी कंट्रोल में आएंगे, मनी कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, ओपन करने के बाद में सपोज आपको कोई मुथूत कैपिटल का देखना है रिजल्ट, तो यहाँ यहाँ पे मुथूत कैपिटल को आपने सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद में यहाँ पे आप आएंगे फाइनेंशियल में, फाइनेंशियल में आने के बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे आने के बाद में सपोज मुथूत फाइनेंस ओपन कर लिए, उसके बाद में यहाँ पे फाइनेंशियल में आएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद में आप यहाँ पे आप आके क्लिक कर सकते हैं, जो कि इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट में आने के बाद में यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे December 2021 का रिजल्ट है, तो यहाँ पे 92 करोड़ का सेल्स देखने को मिला है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, पिछला December 2020 को 120 करोड़ का सेल्स देखने को मिला था, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 13 करोड़ का देखने को मिला था, इससे आप आके चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स अभी स्टॉक मार्केट में IPO आ रहा है LIC का, काफी सारा IPO आ रहा है, या तो फिर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दिया गया लिंक पे क्लिक करके आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन कर सकते हैं Zerodha पे, और मेरे साथ में अगर जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, ये व्हाट्सएप नंबर पे मुझे पिन करके आप मेरे से जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।